आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि अ यूनिफॉर्म थिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, तो ये अपनी 5 मीटर की रॉड हो गई, रॉड नहीं वो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। दिस इज 5 मीटर, ओके, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और एक 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया है, ओके, और अपन से टेंशन पूछा है एट 1 मीटर पे, ओके। तो सपोज इसका मास है, लेट मास ऑफ स्ट्रिंग इज m, अपन ने उसका मास मान लिया, ओके। सो अब इसका f नेट इज इक्वल्स टू m a, f नेट इज 5 बाय m इज द एक्सेलरेशन, ओके। अब अपन ये पार्ट लेते हैं छोटा सा जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और इसका मास कितना हो जाएगा, अगर 5 मीटर था तो मास m होता है, सो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, m बाय 5, ओके। फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और पीछे की तरफ टेंशन लग रहा होगा t, तो 5 माइनस t इज इक्वल्स टू m बाय 5 इंटू a अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा 5 माइनस m बाय 5 इंटू एक्सेलरेशन इज 5 बाय m, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो टेंशन अपना आ गया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन इज द टेंशन। सो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।